Hello everyone. कैसे हो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप पढ़ते भी चले जा रहे हो और जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चेन चेन सॉरी आर एस कॉन्फिकेशन के बताया आर एस कॉन्फिकेशन के बारे में मैंने बताया था डिटेल में मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन करने होंगे ठीक है लास्ट एक सेशन में मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा आर एस कॉन्फिकेशन का जो बहुत ही ज़्यादा कोर होगा जो बहुत ही एडवांस लेवल का होगा उसमें आपके प्रॉब्लम्स होंगे आर एस कॉन्फिकेशन के लिए ठीक है जितना मैंने पढ़ाया आपन बाई वन उसको रिवीज़न करते रहिए और एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करते हैं वन बाई वन नोट करते चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं चेन एंड पोजीशन आइसोमर कई बार एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और एक्जैक्टली आपको सेपरेट करना होता है बाईफेट करना होता है कि कौन सा दिया हुआ कंपाउंड चेन आइसोमर है और कौन सा दिया हुआ कंपाउंड पोजीशन आइसोमर है तो कैसे आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आइसोमर है चेन और कौन सा पोजिशन आइसोमर है इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ता है तो कई बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि चेन आइसोमर कौन सा है कौन सा पोजीन आइसोमर है कई बार इस तरह की गलतियाँ हम छोटी मोटी कर देते हैं तो उसके लिए भी हम एक टिप्स और ट्रिक्स सिखाएंगे जिसके थ्रू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा चेन आइसोमर होगा और कौन सा पोजिशन आइसोमर आइसोमर की जनरल डिफीशन आप सबको पता है जिनके मालिकुलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होते है डिफरेंट हो जाते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला के बदलने की वजह से उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में काफी बदलाव आ जाता है चेंजमेंट आ जाता है तो ऐसे इस तरह के फिनोमि को हम क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं और दिस टॉपिक इज नोन एज आइसोमर ठीक है इसमें हम दो टॉपिक यूज कर रहे हैं चेन और पोजिशन आइसोमर के बेसिकली हम यही भी फोकस करने वाले हैं पूरे ब्रॉड टॉपिक को लेकर नहीं चलेंगे चेन आइसोमर के बारे में जानेंगे और पोजिशन आइसोमर के बारे में जानेंगे और उसके कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो बहुत कॉमन होगी जो मालिकुलर फार्मूला होता है मालिकुलर फार्मूला यानी कि मालिकुलर फार्मूला जो होता है वो क्या होने वाला है आपका सेम होने वाला राइट ठीक है नंबर दो जो इसमें फंक्शनल ग्रुप यूज यूज होने वाले हैं ठीक है ठीके? जो फंक्शनल ग्रुप आपके इस्तेमाल होंगे चेन आइसोमर अच्छा एक बात ये भी है जो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी भी होगी ठीक है ये दोनों आइसोमर है एक्चुअली तो बोथ हर मालिकुलर फार्मूला सेम यहाँ भी मालिकुलर जो फार्मूला होगा वो भी आपका क्या होने वाला है सेम नंबर दो फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा ठीक है फंक्शनल ग्रुप इज सेम ठीक है यहां भी सेम होने वाला थर्ड वन ठीक है थर्ड वन में लिख दे रहा हूं अब यहां पे देखिए जो पेरेंट uh, चेन है पेरेंट चेन ठीक है पेरेंट चेन इज डिफरेंट डिफरेंट अटैच डिफरेंट टू अटैच डिफरेंट टू क्या मतलब है मैं भी बता दे रहा हूं भी थोड़ी देर आपके लिखा, आपके लिखा, exactly इसका एग्जाम्पल के आपका मालिकुलर फॉर्मुला सेम होगा आपका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है एक दो तीन चार पांच पांच का मैंने एक कंपाउंड बनाया ठीक है एक, एक खींच रहे हैं जैसे कि मैंने एक दूसरा कंपाउंड खींचा ठीक है इसका मालिकुलर फार्मूला और इसका मालिकुलर फार्मूला दोनों सेम है आप एग्जैक्टली exactly देख सकते हैं पांच कार्बन ऊपर है वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव कार्बन नीचे है उतने ही सेम हाइड्रोजन यहाँ भी है उतने ही हाइड्रोजन यहाँ भी है एग्जैक्टली बोथ हार विल बी सेम मालिकुलर फार्मूला सेम है और आपके फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी और यहाँ भी ये यह दोनों सेम है एक्जैक्टली exactly, आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है मालिकुलर फार्मूला सेम है बट जो आपकी पैरेंट चेन है पैरेंट चेन कौन सी थी सॉरी जी स्टेट चेन ये वाली उसमें जो है क्या है एक कार्बन जो है सब्सिट्यूट में चला गया ठीक है यहाँ से एक कार्बन आपने हटाया और उसके सब्सिट्यूट में अटैच कर दिया तो इस तरह से आप जो चेन को क्या करते हो ब्रेक करते हो वहाँ से सब्सिट्यूट को हटा करके उसी पैरेंट चेन में एड करते हो ना तो इस तरह का जो जनरल आइसोमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं चेन आइसोमर ये तो आपने छोटा सा एक एक्जाम्पल दिया जब सर बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको कि आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो तो वही चीज़ मुझे सिखाना है एक्जैक्टली आपको और भी मैं दे रहा हूँ कि चेन आइसोमर कैसे होता है बाकी मैं वो जो सिखाने वालों अभी एक्जैक्टली आप पाँच से छः मिनट बाद वो आप वो सीख जाओगे बहुत आसान है कैसे करेंगे वो मैं एग्जैक्टली exactly बताने वाला हूं यहां पे देखिए मालिकुलर फॉर्मुला सेम होगा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे द पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल चेंज ठीक है इसमें जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो बदलती रहती है एंड वो पेरेंट चेन के अलॉन्ग ही ऐड होगा ठीक है जो आपकी पेरेंट चेन है कहीं आपको फॉरवर्ड होगा मतलब आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी बदल जाएगी जैसे कि मैं बहुत बताऊँ एग्जाम्पल मैं आपके मैं बताऊँ जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा ओ OH, एच राइट ओ एच फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल बोलते हैं राइट यहाँ पे कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर राइट मैंने एक दूसरा आइसोमर खींचा इसका ठीक है दिस वन और मैंने क्या लगा दिया ओएच एच यहाँ पे लगा दिया ठीक है आप ऊपर वाले मालिकूल को देखोगे नीचे वाले मालिकुलर मालिक्यूल को देखिए दोनों दोनों एक दूसरे एक दोनों कंपाउंड को देखोगे तो ऊपर का जो फॉर्मूला है वो भी सेम है नीचे का फॉर्मला भी सेम है मालिकुलर फॉर्मला दो बोथ था, हार्बुल सेम फंक्शनल ग्रुप ही जालसो सेम बस क्या हुआ वहां पर पोजीशन आपका चेंज हो गया पोजीशन आपका क्या हुआ बदल गया यहाँ पे ओएच लगा था एक बार आपने यहाँ पे ओएच लगा दिया ठीक है तो आपने पोजिशन बदल दिया तो इस तरह के जो आइसोमर होते नॉर्मली आपके पोजिशन आइसोमर होते लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आते हैं छोटे छोटे कंपाउंड में तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो ये चेन आइसोमर है ये पोजीन आइसोमर है लेकिन जब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आते हैं ना तो आपको क्या हो जाती है एक्जैक्टली प्रॉब्लम होती है ये सारे डिफिनीशन आपको पता है बुक में भी दिया हुआ आपके कि मालिकुलर फॉर्मला सेम होता है फंक्शनल ग्रुप विल भी सेम होता है सब्सिटूट आइटम जो होते हैं अपने पैरेंट चेन से अलग हो जाते हैं तो चेन आइसोमर होता है फंक्शनल ग्रुप अपने सबसेटूट चेन से पैरेंट uh, चेन से जब सब्सिटूट में निकल चले जाते थे तो यहाँ पे ओच लगा था बाद में ओच और हर एक जहाँ कार लगे हुए ठीक है वो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ सब हाइड्रोजन लगे हुए ठीक है बैलेंसी को पूरा करने के लिए एक्जैक्टली तो अब एक्जैक्टली exactly क्या करने वाला हूं मैं आपको केवल कीवल और केवल ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ चेन और पोजिशन आइसोमर को कैसे पता करते हैं अगर मान लो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन और उसमें आपको चेक करना है कि कौन से चेन आइसोमर है कौन से पोजिशन आइसोमर है तो आप कैसे करोगेक्टली exactly. तो एक्जैक्टली exactly उस टिप्स और ट्रिक को ध्यान रखोगे आप ये सब याद करना भूल जाओगे ये सब आपको भूल जाओगे भूल जाओगे बहुत आराम है क्योंकि इसको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये फंडे उसमें काम ही नहीं करते देख के कंपाउंड पता नहीं चलता कि क्या होने वाला एक्जैक्टली ठीक है तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा तो आप ये याद करना भूल जाओगे ये सब नहीं याद करोगे सीधा वही टिप्स और ट्रिक आप यूज करोगे ये भी मुझे पता है तो चलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ आपको मैं सिखाता हूँ कि कौन से आइसोमर चेन होंगे और कौन से पोजीशन आइसोमर होते हैं ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं चेन ऑफ पोजीन आइसमर के तो वन बाई वन करके हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको कि उस तरह से नॉर्मल जो कंपाउंड थे आप उसका सलेक्शन बहुत आसानी से कर लेते हो आपने देखना आपको फंक्शन ग्रुप मिल जाते हैं आपको लीनियर चेन होता है उसमें सलेक्शन बहुत आसान हो जाता है आप चेन ऑफ पोजीशन को कैलकुलेट कर पाते हो लेकिन यहाँ पे देखो सब स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई देते हैं अब कुछ पता ही नहीं चलता कि सर किस में चेन आइसोमर होते हैं कौन से पोजीशन आइसोमर में अगर ऐसा है तो आप एक बार जरूर अपने खुद से ट्राई कर लीजिए और उसके बाद आप बताइए कि सर हाँ मुझे आ गया है चेन या पोजिशन आइसोमर लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको चेन और पोजीन

ठीक है दोनों की पेरेंट चेन में पांच कार्बन पांच कार्बन फाइव मैंने मैंने यहां पे लिख दिया एंड नेक्स्ट वन क्या करना है आपको जो इसमें सब्सिटूडेंट होते हैं ना जितने सब्सिटूडेंट लिखे होते हैं ना उतने नंबर आपको यहां पे लिखने होते हैं यहां इस पूरे रिंग में पेरेंट चेन के अलोंग एक ही सब्सिटूं यहाँ पे ऐड है तो यहां पे 51 लिख देंगे हम right? राइट इतनी बात समझ में आई एक ही सबस्टूडेंट है यहाँ पे इसलिए मैंने फिफ्टी वन लिखा यहाँ आपके नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे दो नंबर में लगा यहाँ पे तीन नंबर ऐसा कुछ लेना देना नहीं मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए ठीक है आपने क्या यहां पर भी नंबर कितना तो इस वाले में भी नंबर कितना नंबर सेम हो जाते हैं तो वो जो आइसोमर होता है आपका पोजिशन आइसोमर होता है जी हाँ जब आपके नंबर दोनों सेम हो जाए दोनों सब्सूटेंट के तो कैसा आइसोमर हो जाएगा सर पोजिशन आइसोमर हो जाएगा बस खत्म आप

एक यहाँ पे एक यहां पर तो मैंने सिक्स टू लिखा हुआ यहां पर देखिए पे यहाँ पे, पे एक ही सबस्टूडेंट से बड़ा सा एलिमेंट लगा हुआ है तो उससे आपको नहीं काउंट करना कितना भी बड़ा लगा हो हमेशा एक ही काउंट करना है एक नंबर पे लगा ना एक ही काउंट करने का ठीक है ठीके? यह साइक्लोहन उस पर एक नंबर काउंट एक ही सबस्टूडेंट ग्रुप लगा हुआ है इसलिए यहाँ परिक्स यहाँ पे मैंने सिक्सटी वन तो दिस आइसोमर इज गोज राइट नाउ छे राइट नेक्स्ट वन यहाँ पे कोई सबस्टूडेंट नहीं लगे हुए आपको इसके नंबरिंग से कोई लेना देना आपको है नहीं राइट इसके नंबरिंग से आपको कोई लेना देना नहीं एक्सैक्टली exactly. तो ये भी क्या हो जाएगा सर सिक्सटी जीरो सिक्स जीरो एंड सिक्स जीरो ऑन सिक्स जीरो सिक्स जीरो है ना क्योंकि कोई सबस्टूडेंट लगा नहीं तो यानी कि जीरो सबेंट है यानी कि सर दोनों सबस्टूडेंट तो सेम हो गए दोनों सब्सूड जब सेम हो जाते हैं तो कौन सा आइसमर होता है पोजिशन आईसुमर यहाँ पे आइस उमर है अब आप तो आपको पता चल गया होगा सर ये क्या है पोजिशन आईसम ये देखिए यहाँ पे ये कैसा आइसोमर होगा आई विल सीज देयर सब कुछ सेम है uh, उतने ही कार्बन यहाँ भी है उतनी कार्बन यहाँ पे यहाँ पे लेकिन सबसे टूंग सर एक भी नहीं लगे हुए अगर आप कार्बन काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि टेन कार्बन आए यहां पर सब्सटूडेंट जीरो है है ना यहां पे देख लेते हैं हम यहां से काउंटिंग करते हैं दैट दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है लेकिन उसमें दो सब्सटूडेंट लगे हुए नंबर क्या हो गया डिफरेंट हो गया ना कैसा आयुमर आएगा चेन आयसोमन आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर फंक्शनल ग्रुप है मालिकुलर फार्मूला सेम है हाँ एक चीज ये हमेशा याद रखिए जितने कार्बन इसमें होने चाहिए उतने कार्बन इसमें भी होने चाहिए अदरवाइज आपके मालिकुलर फार्मूला ही आपके अलग हो जाएंगे तो आप आयसोमर कैसे चेक कर पाओगे ठीक है ये चीज आपको खासा ध्यान रखना होगा ये नहीं कि यहाँ पे दस कार्बन हो गए तो यहाँ पे कार्बन के नंबर आप जाने ज्यादा रख दिया कार्बन एक्जैक्टली दोनों में सेम ही होना चाहिए राइट यहाँ भी आपके पास दस ही कार्बन होनी चाहिए तो यहाँ भी दस ही कार्बन होने ही चाहिए राइट भले वो आप अलग अलग सब्सिट्यूएंट के साथ अटैच किए हो यहाँ पे देख लेते हैं यू विल बी सीज देयर एक्जैक्टली आप काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है सर आपने कितने सब्सिट्यूएंट लगाए हैं सर एक यहाँ पे एक यहाँ पे एटिट हो गया नेक्स्ट वन

फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन आया सब्सिट्यून कितने लगे हुए हैं कुछ बाहर कोई ऐसा कुछ कार्बन जैसा कोई एलिमेंट लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है जीरो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सब्सिटून लगा हुआ है क्या जीरो दोनों सब नंबर सेम आ गए पोजीशन आई चीम कितना बेहद आसान है इससे आसान मेथड कोई हो ही नहीं सकता आपका ऐसा आपको अगर दूसरा कोई मेथड आता है तो आप उससे लगा लो और फिर इसके इससे लगा के आप चेक कर सकते हो ठीक है तो चेन और पोजीशन बहुत आसान हो जाएगा आपको एक्जैक्टली कैलकुलेट करना है यहाँ पे देख लेते हैं सर तीन सब्सून लगे हैं थर्टी सॉरी थर्टी थ्री थी आएगा ठीक है वन टू थ्री तीन इसके पेरेंट चेन हो गए मतलब साइक्लो वाले कंपाउंड के साइक्लो प्रोपेन के और उसमें तीन, तीन सब्सटूडेंट लगा रखे हैं आप यहां पे एग्जैक्टली exactly देखो वन टू थ्री फोर फोर है और उसमें दो सब्सटूडेंट लगाए फोर्टी टू एक थर्टी थ्री है तो व्हाट आइसोमर इज चेन आइसोमर राइट कैसा आइसोमर होगा इसमें चेन आइसोमर होगा एक्जैक्टली exactly, आपने सही सुना चेन आइसोमर जब आपके नंबर डिफरेंट आ जाए तो चेन आइसोमर होता है जब आपके नंबर सेम आ जाए तो पोजिशन आइसोमर होता है राइट कैसा भी कंपाउंड हो आप सबस्टूडेंट कैसे काउंट करने मैंने आपको बता दिए इसमें आ जाते हैं एक्जैक्टली exactly, आपने पोजिशन को एक बार यहाँ पे लगाया एक बार यहाँ पे लगाया सफी टू कोई अटैच नहीं किया तो कैसा आइसोमर होगा सर पोजिशन आइसोमर देख के भी आप बता सकते हो अच्छा इसमें क्या है इसको अगर आप देखोगे तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करने वाले वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ऐसे गए और यहाँ पे ये आ रहा है ठीक है यहाँ पे देख लेते वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे ये आ रहा है सर यहाँ पे बहुत अच्छा है ये आइसोमर है क्या ये आइसोमर ही, exactly. ही नहीं है एक्चुअली एक्जैक्टली सही सुनो आपने ये आइसोमर ही नहीं है एक्जैक्टली ये आइडेंटिकल है आप ध्यान से देखोगे सबकी आईपीसी एक जैसे ही लग रही है सारे एलिमेंट एक ही जैसे लगे हुए हैं सबका अरेंजमेंट एक जैसा है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया गया इस कंपाउंड में इनके स्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया कोई भी बदलाव नहीं चेंज किया गया इसके आई तक सेम है आप देखोगे नंबरिंग मैंने देखोग्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ भी वही सेम ग्रुप यहाँ भी वही सेम ग्रुप आपने लगा रखा है ठीक है तीन नंबर में भी लगा तीन नंबर यहां लगा लगाया सब कुछ एक जैसा है तो ये काफी जल्दी मैं आप ये कभी मत कर देना कि जल्दी जल्दी काउंट करने के चक्कर में चेन और पोजीशन हमेशा निकालते रहते हो तो इस तरह से भी कंपाउंड पूछे जा, जा पूछे जा सकते हैं ये चीज आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा ये कंपाउंड क्यूबेन जैसा बना हुआ है यहाँ पे तो कॉर्नर है कॉर्नर एट है यहां भी कॉर्नर 80 है लेकिन सर एक आपने मिथाइल ग्रुप ज्यादा लगा रखा है तो एक मिथाइल ग्रुप ज्यादा लगाने से प्रॉपर्टीज बदल गई क्योंकि सर यहां पे कार्बन तो सेम होने चाहिए तो ये आइडेंटिकल नहीं है यानी कि ही कैसे कंपाउंड होंगे आइसोमर तो होंगे ही नहीं तो ये क्या लिखोगे आप नॉन आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगे नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे राइट right? ये चीज आपको खासा ध्यान रखना ये कंपाउंड आप ध्यान से देखोगे ठीक है सेम सेम ग्रुप सेम पोजिशन सेम पोजीशन क्योंकि आईपीसी में जो बड़ा ग्रुप होता है नंबरिंग हम वेज स्टार्ट करने वाले ओ एस थ्री ठीक है तो नंबरिंग आप कहीं से भी करो हमेशा दोनों सब्सटूडेंट एक दूसरे के करीब में लगे हुए हैं हमेशा नंबरिंग क्या होगी एक मेन सब्सटूडेंट से होगी दोनों मालिक्यूल क्या है सेम है दोनों कंपाउंड सेम है एक्जैक्टली exactly आप ध्यान से देखोगे तो आई का फंक्शन भी सेम ही है इनका ठीक है दोनों में इसलिए ये दोनों मालिक्यूल ये दोनों कंपाउंड कैसे होंगे आइडेंटिकल होंगे कैसे होंगे आइडेंटिकल होंगे ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है विदिन अ सेकंड मिन मिनट भर लगा आपने सारे क्वेश्चन धराधर धराधर करके रख दिया ठीक है तो ये सब टिप्स और छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप आसानी से किसी चीज को बता सकते हो कि चेन आइसोमर कौन से कंपाउंड शो करेंगे कौन से पोजिशन आइसोमर शो करेंगे तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है आप एजेक्टली exactly क्या करना होता है पेरेंट चेन उसमें सब स्टूडेंट काउंट करने होते हैं उसके बाद आसानी से आप ये भी कैलकुलेटेड द चेन एंड पोजिशन आइसोमर ठीक है तो ये चीज इसको नहीं समझ में आया वो एक बार दो बार जरूर करें बहुत आसान सी चीज है इसके लिए बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको मैंने बताया आप एजेक्टली प्रैक्टिस करो आप उस चीज का तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से आइसोमर चेन होंगे कौन से पोजीशन के आइसोमर होंगे ठीक है तो आसानी से आप और कभी भी आइसोमर कैलकुलेट करते समय यह हमेशा याद रखिए कि इस तरह से कई बार कंपाउंड दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत तेजी में लगा रहे हो और गलती से यहां भी चेन और पोजिशन के आपने सॉल्व कर दिया ऐसा नहीं करने का हमेशा कंपाउंड के मालिकुलर फॉर्मला को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कार्बन तो अलग नहीं है कहीं यहाँ पे पांच कार्बन यहां पे छह कार्बन हो गए तो तो तकलीफ हो जाएगी आपकी तो आइडेंटिकल यानी कि आइसो मालिकुलर फॉर्मला ही डिफरेंट हो गया तो तकलीफ हो जाएगी तो आइसोमर नहीं सो करेंगे ठीक है तो ये चीज आपको खासा ध्यान रखना चाहिए बाकी की जो वीडियो है आप वन बाई वन देखते रहिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ वन जो वन जिसका वेटेज है जिससे क्वेश्चन नॉर्मल लिए जाते हैं और जो लास्ट टेन ईयर में काफ़ी बार रिपीटेड हो रहे हैं कई बार आ भी चुके हैं और जल्दी ही हम गलतियां कर ही देते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसमें छोटे से टिप्स और टिक के थ्रू हम आसानी से उसको विद इन अ सेकंड में कर भी सकते हैं तो वही चीज मैं आपको एक एक वन बाई वन करके कराता चला जा रहा हूं जैसा कि आज मैंने चेन पोजिशन किया है और इससे पहले आर एस कॉन्फिकेशन के बहुत सीक्रेट से बताए थे उसके मैं पार्ट थ्री की वीडियो बनाने वाला हूँ जो एडवांस लेवल पर होंगे उसके प्रॉब्लम्स आपको मैं कराऊंगा वहां पर भी आप देख पाओगे कि वो कैसे उसको टैकल करते हैं उस तरह के प्रॉब्लम को तो ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन जनली पेपर में आते ही आते हैं ठीक है तो आपको क्या करो बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो ताकि ये आसान हो जाए आपके लिए कोई नया रहना रहे ठीक है तो आज का सेशन हम ये पे कंप्लीट करते हैं आ, आप सारे क्वेश्चन को लगाते रहिए ठीक है थीके? तब तक लिए बाय एंड टेक केयर